हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था मार्केट ने तकरीबन वैसा ही परफॉर्म किया। मार्केट ने तकरीबन वैसा ही परफॉर्म किया। मैंने कहा था कि मार्केट की क्लोजिंग 45,500 के करीब आनी चाहिए। हमने देखा लो साइड से इधर बाउंस बैक होकर इधर ही आई क्लोजिंग। इसके मैंने कुछ सबूत भी आप लोग को दिए थे और उस हिसाब से ये क्लोजिंग बन रही थी मार्केट की, और हमने देखा मार्केट यहीं पर क्लोज हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी आप चीज़ें मिस ना कर पाए। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करा करें ताकि सबके पास ये नॉलेज ऐसा हर कोई अपने स्टेप से मोहतात रह सके। चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ मार्केट की फर्दर क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोग को मार्केट को समझना पड़ेगा। देखिए जैसा मैंने कहा था मार्केट की क्लोजिंग 45,000 के पास आनी चाहिए, मार्केट ने क्लोजिंग वहीं दी। देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है जो आपको हम है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करके दें, और आपको वो शेयर्स आपको बताएं जो अभी तक चले ना हो, हमारी यही कोशिश रही है। और आप लोग जानते हैं कि मैंने काफ़ी सेक्टर्स ऐसे बताए जो जिन्होंने बाद में मूव दी, सही है ना। मैंने ऐसे सेक्टर्स बताए जिन्होंने आपको आपने बाई कर लिया और उसके बाद बहुत तेज़ी से मूव दी होगी। वही चीज़ है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको पहले से ही कोशिश करते हैं। देखिए हमारी भी ज़रूरी नहीं 100% हमारी सारी स्ट्रेटजी सही होंगी, लेकिन देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको हर एक एक चीज़ से आगाह कर सकें। मैं विद प्रूफ विद एविडेंस काम करता हूँ, मैं आपको वो एविडेंस शो भी करता हूँ और उसका प्रीवियस डेटा भी शो करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। और अगर मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी चली मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप इंट्राडे के लिए आराम से उसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 90% है। इसलिए बस देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जहाँ पे आपने किसी ना कुछ के बारे में बताया भी ना होगा और आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो बात यही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट हो सके। देखिए अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा आपने बहुत ध्यान से सुननी है। जैसा कि मैंने 20 अक्टूबर जिस दिन मार्केट 870 पॉइंट प्लस हुई थी उसी दिन मैंने कहा था कि अगले दिन हो सकता है मार्केट गैप के साथ ओपन हो, हाई साइड पे ना कुछ 46,000 का लेवल भी बताया, उधर से आपका माल बेच दीजिएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है थोड़ी सी डिप आए। ये मैंने अपनी लाइन्स कहे थे किस दिन 20 अक्टूबर पे, आप ये खुद जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो मौजूद है चैनल पे। तो बात यही थी। अब देखिए अब जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो काफ़ी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए मार्केट अभी जिस सिचुएशन पे मौजूद है बिल्कुल ही एक तरीके से ट्वीज़र टॉप वाला पैटर्न बना है, 100% तो नहीं काइंड ऑफ ट्वीज़र टॉप वाला पैटर्न बना है। मार्केट रिजेक्ट हो रही है अपसाइड से। हमने देखा आज की कैंडल में अपर विक भी ज़्यादा है, अपर विक भी है लेकिन लोअर विक थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा बाइंग भी हमें नज़र आ रही है। मगर जो चीज़ अभी हमें ध्यान रखने की है, जैसा मैंने कहा मार्केट जिस हिसाब से हमें मूव करते हुए दिखाई दे रही है थोड़ी सी मार्केट अभी यहाँ पर हम लोग को निकल जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बताया मार्केट की जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अभी भी 45,312 है, और अभी भी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस 46,040 के लेवल के पास है, 46,000 ही समझ लीजिए। अगरचे मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट 46,500 तक जाएगी, हो सकता है जाए, आराम से जा सकती है मार्केट अगर लेवल ब्रेक होता है। लेकिन मुझे अब थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज लग रही है क्योंकि हमने देख रहे हैं दो दिन से एक लेवल के बाद मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है। ये लेवल अगर मैं आपको देखे ये जो लेवल है ये वाला लेवल, ये दो दिन से हम देख रहे हैं कि इसमें रिजेक्शन आ रहा है इस लेवल पे। दो दिन से हम लोग देख रहे हैं इधर से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो इंट्राडे वाले तो जो लोग बाई करना चाहते हैं वो इसी के ऊपर ही जाहिर से बात करेंगे अगर सस्टेन हो जाता है, ब्रेक एंड सस्टेन होता है जो कि एटलीस्ट लेवल बनता है 46,800 के पास बनता है 850। तो बात यही है। अभी देखें अब मार्केट का जो मैं अपना व्यू भी आप लोग को पेश करूँगा वो मेरा ओपिनियन होगा, मैं विद प्रूफ बताता हूँ आप लोग को हर चीज़ें। देखिए मार्केट ने जैसे अपनी क्लोजिंग दी जहाँ पे हमने आपको बताया था कि मार्केट की क्लोजिंग 46,500 बनती है अकॉर्डिंग टू माय रूल, वो सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, हमने देखा वहीं पे दी। अभी ये जो लेवल है ना मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट 45,000 का भी लेवल ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकता है, इधर 44,500 तक हमें आते हुए दिखाई दे सकती है।
इसीलिए हम आपको मुसलसल कह रहे थे, पिछली वीडियो में भी कहा थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा हो उसे बुक कर लीजिएगा, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा हो उसे बुक कर लीजिएगा बस, क्योंकि अभी थोड़ा सा है, होल्ड रख सकते हैं आप लोग। देखिए 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, आपको मार्केट बेहतर ही परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। एक डिप मारेगी मार्केट, जैसा मैंने बताया हो सकता है कि मेरे रूल के हिसाब से तो मार्केट को एटलीस्ट 40,000 के करीब आना चाहिए, और अगर अपसाइड पे ब्रेक होता है तो फिर 52,000 के लेवल पे मार्केट को आना चाहिए। लेकिन अभी हालात थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे। FATF को भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा। IMF के रिलेटेड भी मेरे पास थोड़ी थोड़ी बैड न्यूज़ आई। जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि कल ही हमने कहा ऑयल एंड गैस सेक्टर में अब स्टॉपर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ज़्यादा हाई साइड पे जा चुका है, इसमें थोड़ी थोड़ी सेलिंग आ सकती है। हमने आपको साफ कह दिया, हमने इवन आपको ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बिल्कुल आपने रखना है। जिस दिन 870 पॉइंट प्लस हुई थी उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस दिन कहा था मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें। इवन मैंने आप लोगों को कमर्शियल बैंक्स में भी अब कहाँ कहना शुरू कर दिया था, अब इधर भी हल्का हल्का आप स्टॉपर का इस्तेमाल कीजिए। अब मार्केट रिवर्स होते हुए हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए अब जो पैटर्न भी बन रहा है काइंड ऑफ ट्वीजर टॉप पैटर्न बन रहा है, इधर से प्राइस हमें रिजेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा साइन ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल सीमेंट ने हमें बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाया। आप लोग को याद होगा जिस दिन सीमेंट नहीं चल रहे थे, मैंने कहा सीमेंट रैली बनाते हुए दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू माई डेटा, और हमने देखा आप लोग ने इन्वेस्ट किया तो आप लोग को 10-10 रुपये का तो प्रॉफिट हो ही गया होगा जिस दिन से मैंने कहा। इसी तरीके से ऑयल एंड गैस PPL का मैंने 71-72 रुपये पे कहा था बाई करने का, भले आज नीचे गया लेकिन आप लोगों को 6-7 रुपये का आराम से गेन दे दिया। हाई साइड पे जिस वक्त मैंने प्रॉफिट बुकिंग का कहा होगा तो आप लोग ने 9 रुपये का भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए करा होगा। OGDC का मैंने बोला था, सब ने बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। अभी देखें मार्केट जो लग रही है, हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, अगर थोड़ा सा आती भी है तो ये जा सकती है नीचे। बात इतनी है सिर्फ मार्केट की, जो लग रहा है फिलहाल मार्केट को देखकर वो यही है कि मार्केट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी नेगेटिव। ऑल दो MACD अभी भी बाय कॉल के ऊपर है, RSI अभी भी सही है, इतना बुरा नहीं है, और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट को चेक करें, अगर मैं इसे डिलीट मार दूँ, देखिए शॉर्ट ग्राफ के ऊपर अगर मैं मार्केट को आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो मार्केट आवर्ली चार्ट में स्लाइटली देखिए ओवरबॉट से अब करेक्ट होना शुरू हुई, और यहाँ से आप वापसी अपना को सुधार रही है। तो अभी आप लोग के पास क्या होना चाहिए स्ट्रेंथ, आप लोग की क्या आप लोग की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि अब हाई साइड पे अगर मार्केट आपको मौका देती है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, और कोशिश करें वही स्टॉक जब डिप पे आ जाए तो बाई कीजिएगा, आपकी बेहतरीन तरीके से आपको फ़ायदा हो जाएगा, जिनका नुकसान है उनका नुकसान भी कम हो जाएगा। बात यही है खाली, अगर मार्केट ये 46,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है जैसे मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है मार्केट आपको 46,500 और हो सकता है 47,000 के लेवल पे भी 47,000 के लेवल पे भी जाते हुए दिखाई दे, मगर अब ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए कल के दिन हमें सेलिंग देखी गई विथ वॉल्यूम सेलिंग देखी गई, जिस दिन विथ वॉल्यूम सेलिंग देखी जाती है उस दिन आपने आपको एक इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाता है कि थोड़ा थोड़ा अब निकल जाए मार्केट से भाई, ये होती है पॉसिबल रीजंस। अब जैसे हम लोग ने यहाँ देखा था यहाँ पे एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न बना था, ट्वीजर बॉटम, अब तो एक ट्रेंड रिवर्स हुआ, अब ट्वीजर टॉप बन रहा है काइंड ऑफ, तो हो सकता है फिर एक आपको थोड़ा सा रिवर्स हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कैंडल काइंड ऑफ 50-50 है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस दिन मार्केट ओपन हुई थी 45,548 और मार्केट क्लोज हुई है 45,578, तो काइंड ऑफ बहुत नियर नियर है, दोनों के अपसाइड पे विक है। इसका मतलब कि अब यही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए जिस दिन प्राइस हम देखें जिस चीज़ को फॉलो कर रही है उसी को अब हम भी फॉलो करके लेकर चलेंगे, इसलिए क्योंकि हमने देखा मार्केट यहाँ से 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, इसका मतलब है यही इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही ऊपर जा सकती है मार्केट, नहीं तो मार्केट रिजेक्ट होती रहेगी। अब हमने देखा यहाँ पे देखिए एक तो दो चीज़ें वो क्या है कि देखिए मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, आप ये लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली इसकी सपोर्ट आ रही 45,312 और सेकंड सपोर्ट 44,500 करिए, और पहली रेजिस्टेंस 46,000, नेक्स्ट 46,700 या 500 और फिर उसके नेक्स्ट 47,700। अभी मैं सब डिलीट मार रहा हूँ। अब हमारे पास इधर जो चल रहा है गेम, गेम तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन हमारे पास जो आ रहा है, मैं फुल बड़ा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इधर से हमें दो बार प्राइस रिजेक्शन देखी गई, इस लेवल पे दो बार प्राइस रिजेक्शन देखी गई। पहला यही होगा सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया, और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,000 का होगा। और जो पहला देखिए सपोर्ट एरिया हमने देखा कि इधर यही इसका सपोर्ट एक्ट कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि विक ज़्यादा है, ये दो बार ज़्यादा बार फॉलो हो चुके, तो हम इससे ज़्यादा ताकतवर समझेंगे सपोर्ट को, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर समझेंगे, ना कि ज़्यादा बाइंग प्रेशर। तो ये बात थी जो आप लोगों को समझनी थी, और मैं कंटिन्यूसली अपनी वीडियोस में आप लोगों को कब से आप लोगों मैसेजेस देता था कि आप लोगों ने कैसे काम करना है। होपफुली आप लोगों ने वैसा ही किया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉस होने से बच गए होंगे। खैर मार्केट आज भी कोई इतनी बड़ी डिप नहीं ली, लेकिन अपनी हाई साइड से अगर हम देखें मार्केट को, 46,100 के लेवल से मार्केट तकरीबन 600 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है। कितनी? 600 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है, बात बस इतनी सी थी। तो खैर आई होप सो आप लोगों ने हाई साइड पे ही प्रॉफिट बुकिंग की होगी एज एक्सपेक्टेड, और उन स्टॉक्स में मुनाफा भी कमाया होगा जो स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को टिप्स दी थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरी सारी टिप्स सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं विथ प्रूफ काम करता हूँ, आप लोग भी अब ये जानते हैं। देखिए हो सकता है आपको मार्केट को अगर मैं आपको एनालाइज करके बताऊँ, शॉर्ट टर्म में 46,100 से मार्केट गई 41,000 तो हाँ बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट इधर भी रिजेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है मार्केट आपको 50 पॉइंट और ही दिखा दें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मंडे को 50 पॉइंट ही प्लस दिखा दें, क्योंकि जिस तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इट्स लाइक क्रेजी। आखिरी 30 मिनट में भी हम लोग को 76 पॉइंट विथ 18 मिलियन के वॉल्यूम के साथ सेलिंग दिखा गया, जो कि आप देखें इन चारों वॉल्यूम से ज़्यादा है, विच इज़ अ डेंजरस बात। सही है, जब भी हमें बाइंग देखी गई, इधर भी बाइंग लो वॉल्यूम्स के साथ, जब भी हमें सेलिंग देखी गई हाई वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग रिकॉर्ड हुई है। मार्केट के अंदर बायर्स की तादाद अब कम हो चुकी है, हमें फिपी लिपी डेटा से पता चलेगा, अच्छा व्यू फिपी लिपी डेटा से ही पता चलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जल्द से जल्द आ जाए, आप लोगों को जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। जी आ गया। चले अगर हम बात कर ली जाए फिपी लिपी डेटा की, अभी हमारे पास बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर्स बाई कर, कंपनीज हैवी सेलिंग, अब सेलिंग पे आ चुके हैं हैवी वाली, फॉरेन भी अब आ चुके हैं सेलिंग पे। फॉरेन तो खैर कब से सेलिंग कर रहे हैं, पता नहीं इनका माल कब ख़त्म होगा तो इनसे जान छूटे। इंडिविजुअल्स फॉरेन इंडिविजुअल्स नथिंग, हमारे इंडिविजुअल्स सेलिंग के साथ हैं, हो सकता है इन्होंने मेरी बात मानी हो, जस्ट किडिंग। देखें इंश्योरेंस कंपनी हैवी बाय के साथ है 2.72 मिलियन डॉलर्स, और म्यूचुअल फंड 0.54 डॉलर्स के साथ सेलिंग के साथ है। NBFC बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग, अदर ओवरसीज पाकिस्तानी वो, और मार्केट के अंदर 4 सेलर्स और 5-6 बायर्स मौजूद हैं, विच थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। देखिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इन अभी वीकेंड्स में आप लोगों को डिटेल से कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करके दिखाऊँ। मेजरली वो आप लोग तकरीबन वो स्टॉक्स आपके पास ज़रूर होंगे और उन्हें नुकसान कर बैठे होंगे, और कोशिश करूँगा अगर कोई बाय कॉल निकलती है कहीं से ढूंढूंगा तो आप लोगों को उसके बारे में भी इतला करूँगा। ऑल अदर सेक्टर्स में हमेशा से इंडिविजुअल्स की मैंने नोटिस किया है, इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग, म्यूचुअल फंड हैवी सेलिंग के साथ है, और आज भी म्यूचुअल फंड ने माल सेल किया है। देखिए फिपी बैंक्स कंपनीज इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग के साथ है, जब इनके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ने ही सेवेंट को उठा कर रखा। ओवरऑल भले थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आए, म्यूचुअल फंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी और ब्रोकर, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता, बहुत ही कम तादाद है। कमर्शियल बैंक्स आज भी काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई दे, लेकिन इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग आ रही है। इवन फॉरेनर्स जो बाइंग कर रहे थे इसमें हैवी, उनकी भी। अब यह है कि इधर आपको स्टॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हाई साइड पर। देखिए फर्टिलाइज़र आपको ओवरऑल बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादातर इसमें हम लोग को बायर्स की तादाद ज़्यादा लग रही है, तो ये बात है। इवन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट जिसमें यूनिटी आ जाता है, यूनिटी ट्रीट ये सब आ जाता है, फिपी बैंक। अच्छा मैं कोशिश करूँगा ट्रीट की भी, अगर कोशिश करूँगा कि इसकी भी ले आऊँ वीडियो आप लोग के पास, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बाइंग थी, इनके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और इनकी सेलिंग्स थी।
50-50 इधर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फॉरेनर्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग, ब्रोकर्स की बाइंग, इंश्योरेंस की, इनके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की स्लाइड सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन और हैवी सेलिंग कंपनीज की हम। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी तकरीबन 50-50 परफॉर्म करता रहा। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म करता रहा, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी इनके अगेंस्ट थी। इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज़्यादा माल इसी में ही बाय किया है मेरे हिसाब से, भी हम लोग पता चल जाएगा। टेक्सटाइल में ओवरऑल टेक्सटाइल पॉजिटिव है हमारे लिए, फिर भी इसमें जो सेलर है वो इंडिविजुअल ही है, बाकी हर कोई माल एक्यूमुलेट कर रहा है, तो एकदम बेचना माल बेवकूफ़ी ही समझी जाएगी आप लोग, आप लोगों की। फॉरेनर्स देखिए सब में सेलिंग के साथ है, सिवाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। बैंक सब में बाइंग सिवाय है, सब में बाइंग कर रहे हैं सिवाय सीमेंट की, थोड़ी सी आप लोगों को अब इसमें एहतियात करनी पड़ेगी। ऑल इसमें ब्रोकर्स तकरीबन बाइंग के साथ है सिवाय टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन, बिल्कुल इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा ब्रोकर्स के, तो ब्रोकर्स के पास कुछ अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कुछ ब्रोकर्स के पास जो आपको उनकी अगर फॉलो करें तो आप लोगों को बेहतर हो जाता है। कंपनीज तो ओवरऑल सेलिंग के साथ है सिवाय सिवाय फर्टिलाइजर और कमर्शियल बैंक, इवन टेक्नोलॉजी में हल्की हल्की बाइंग है। इंडिविजुअल्स सब में सेलिंग के साथ है सिवाय अदर सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सॉरी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड पावर जनरेशन। इंश्योरेंस कंपनी तकरीबन बाइंग के साइड है, अब जो सेलिंग के साइड पर है उसमें आप लोग को बहुत ध्यान रखना होगा, इंश्योरेंस है बिग प्लेयर्स, तो इसी में ये सीमेंट और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, एक्सप्लोरेशन में भी उनकी बाय आ रही है, तो ये मार्केटिंग जिसमें PSO शेल और ऐसे आ जाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल इनकी हाईएस्ट पावर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में हाईएस्ट बाइंग है। म्यूचुअल फंड देखिए सीमेंट में हैवी बाइंग है इनकी, मतलब सीमेंट में इन्हें कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो यही है कि स्टॉपर के साथ काम कीजिएगा। फर्टिलाइज़र भी पॉजिटिव इन्होंने बाई किया है, टेक्सटाइल को भी बाई किया है, अदर सेलिंग के साथ है NBFC बाइंग के साथ कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर्स। तो देखिए अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं फर्टिलाइजर्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा ये अदर ऑर्गेनाइजेशन भी 50-50 के साथ हैं। तो जो आपकी टॉप सेक्टर्स की बात करी जाए तो टॉप सेक्टर टेक्सटाइल कॉम्पोजिट आपको इन्वेस्टिंग पर्पजेज के लिए भी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। इवन ये फर्टिलाइजर सेक्टर आपको बहुत पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें तकरीबन सबकी बाय है, कंपनीज भी इसमें हाइज बाय है। ऑल दो देखिए फर्टिलाइज़र में बाकी और भी फर्टिलाइजर आ जाते हैं, ऑल दो आज एंग्रो फर्टिलाइज़र ने थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म किया है, लेकिन हमने देखा उसने भी एक बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग तेज़ी बनाई थी। ओवरऑल तकरीबन सारे ही KSE 100 इंडेक्स में फर्टिलाइजर्स के अंदर सेलिंग देखी गई, सब नेगेटिव साइड पर रहे। और KSE ऑल की बात कर ली जाए तो उसमें भी सारे ही तकरीबन फर्टिलाइजर्स नेगेटिव ही परफॉर्म करते रहे, लेकिन ग्राफ के हिसाब से इंडिविजुअल्स माल छुड़ा रहे हैं उनके। देखिए उससे इंडिविजुअल से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, असल है म्यूचुअल फंड और ये जो कंपनीज ने काम किया है ये डिफेंड करते रहे। तो ओवरऑल यही सेक्टर्स है जो आपको परफॉर्म बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल मंडे की मार्केट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हो सकता है हाई साइड से फिर थोड़ी सी सेलिंग आए, हो सकता है हाई साइड पे भी मार्केट नहीं जाए, तो आप लोगों ने देखिए सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया है, उसी के हिसाब से आप लोगों ने काम करना है और बहुत ध्यान से अपना स्टेप लीजिएगा, क्योंकि तो मार्केट में काफ़ी बैड न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है। इसी के साथ मैं हूँ अमजा वसी और आप देख रहे थे PSC चैनल।